नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर तुरंत नियुक्त किया जाए। शपथ ग्रहण कल सुबह 11 बजे शुरू होगा। इसके बाद शाम 5 बजे तक ओपन बैलेट के जरिए फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस बीच कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मुंबई के एक 5 सितारा होटल में 162 विधायकों की परेड कराकर उन्हें शपथ दिलवाई है। परेड में कहा गया है कि ये गोवा नहीं महाराष्ट्र है। विभिन्न दलों के विधायकों ने अपने अपने नेताओं संविधान के नाम पर शपथ ली। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारा भरोसा सत्यमेव जयते में है, न कि सत्तामेव जयते में। उन्होंने कहा कि अब हम बताएंगे कि शिवसेना क्या चीज है। वहीं तीनों दलों के शक्ति प्रदर्शन पर भाजपा ने कहा है कि विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन में 162 विधायक शामिल नहीं थे। इस बीच महाराष्ट्र में बाजी पलटती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अजीत पवार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठकों से गैर मौजूदगी चर्चा का विषय है। एक तरफ एनसीपी के नेता उन्हें मनाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ सरकार ने उनके ऊपर लगे अनेक आरोपों को खारिज करके उन्हें अभ्यदान देने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम का असर देश की संसद में भी देखा गया। राज्यसभा में सरकार गठन के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष का हंगामा हुआ। लोकसभा में भी हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार दोपहर तक स्थगित कर दी गई। 2 कांग्रेसी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम से लोकतंत्र की हत्या हुई है। बाद में जब विपक्ष के प्रदर्शनकारी वेल में पहुंच गए तो मार्शलों ने उन्हें निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए डाल्टनगंज की रैली में कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यही चाहती थी कि इस मामले का हल जल्द ना निकले। इस बीच शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने अयोध्या में शांति और सौहार्द की एक और पहल की है। रिजवी ने कहा है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या में 5 एकड़ जमीन नहीं लेना चाहते हैं तो सरकार को वे जमीन शिया वक्फ बोर्ड को देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां भगवान राम के नाम पर अस्पताल बनवाया जाएगा और मंदिर मस्जिद के अलावा गुरुद्वारा और चर्च भी होगा। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म हत्या के मामले को दूसरे जज को भेज दिया है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि तिहाड़ जेल प्राधिकरण में 4 दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश पारित करे ताकि 3 महीने के अंदर राजनीतिक दलों को आपराधिक रिकॉर्ड वालों को टिकट देने से रोका जा सके। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिली। प्रदेश में 75% मतदान तो हुआ लेकिन करीमपुर से भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश मजुमदार को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने लातों से पीटते हुए गिरा दिया। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रवैया अपनाया है। केंद्र और 4 राज्यों को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में साफ हवा नहीं दे सकते तो 15 बैग विस्फोटक लाकर सबको मार दो। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों से कहा कि आपको पद पर बने रहने का हक नहीं है क्योंकि दिल्ली नर्क से भी बदतर है। नित्यानंद के अहमदाबाद स्थित आश्रम में बच्चों को बंधक रखने से जुड़े मामलों की जांच कर रही एसआईटी पर आरोप है कि उसने जांच के बहाने बच्चों को टॉर्चर किया। नित्यानंद की अश्लील क्लिप और पोर्नोग्राफिक चीजें दिखाई जिसका बच्चों के मन पर असर पड़ा। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से सड़क हादसों में काफी गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को संसद में बताया कि चंडीगढ़ में सितंबर अक्टूबर के हादसों में 75% तक की कमी देखी गई। वहीं गुजरात में 14%, बिहार में 10.5% और यूपी में 10% की गिरावट आई है। तेज बर्फबारी के चलते कश्मीर ने सफेद चादर ओढ़ ली है। घाटी के गुलमर्ग और साधना पास में 24 इंच तक बर्फ गिरी है। श्रीनगर जम्मू मार्ग दोबारा बंद हो गया है। सीमाई इलाकों में कैरन और माचुल सेक्टरों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही।